कैसे मिल गया, तो कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू रामेश अस्कर ब्लॉग्स। काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और जिन्होंने जो है वो नहीं किया वो जल्दी से कर दें। गाइस इतनी को गर्मी पड़ रही है ना, इतनी को गर्मी पड़ रही है कि बस दिल करता खाना बनाएं, वो भी सोचे कि भूख लगती है, जो भी बहुत ज़रूरी करने वाला काम है वो करें और बस फिर बैठे रहें। लिटरली टू मतलब कि ना ज़्यादा टेम्परेचर, टू मच टेम्परेचर टू परफॉर्म हुआ है। और मेरा आपको पता है हैंड का भी थोड़ा सा दब आया हुआ था हैंड के अंदर, अभी तक वो इतना सही नहीं हुआ है, ये मूव नहीं मैं इतना सही कर पा रही है, ना कोई चीज़ से इतना पकड़ पा रही हूँ। सो या आज मैंने ना इस वजह से थोड़ी सी झटपट सी रेसिपी बनाई थी ओके, जल्दी से जो तैयार हो जाए। लिटरली ये बनती भी बहुत मज़े की है, ठीक है। ढाबा स्टाइल आलू जो है वो मैंने बनाए थे, वो भी मेरे से उन्होंने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो मतलब कि इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना, मैं बाय मुझे भूख लगी, हम लोग रोटियां लेने निकले हैं और बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैंने कहा मैं बस रोटियां लेने से पहले ही कुछ खा लूँ, ठीक है। सो ये आप लोग दुआ करिएगा कि हैंड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बाकी जी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स जाती रहती हैं, लाइफ चलती रहती है, ठीक है जी। चलें जी आज का जो है वो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, नाश्ते में जो है ना वो हमने लेफ़्ट ओवर जो मैंने रखा हुआ था वो खाया था, ठीक है। आप इसको लंच बॉक्स में, मैंने आपको रात को भी बताया था कि इसको रख लें, बिल्कुल भी प्याज भी पानी नहीं छोड़ता और वैसे का वैसे सख्त आटा रहता है और अच्छी तरह जो है ना वो विसम भी गया होता है। यहाँ के नाश्ते में जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ में जी हमारी बन रही थी चाय, जिसके बगैर जो बिल्कुल भी है ना वो गुजारा नहीं है, इतनी गर्मी में ना यकीन मानो इतना दिल करता है चाय पीने को। हाँ जी जाओ बारी दो ना, बारी दो। ओके गाइज, ये मैंने ना इसलिए रिकॉर्ड किया था कि मुझे ना अपनी लिविंग रूम की इस खिड़की से ना इतना अच्छा व्यू आता है और शाम के टाइम दिल करता है इधर ही बैठे रहो, हालांकि गर्मी है लेकिन इस टाइम जो है ना अब तो थोड़ी सी अच्छी हवा चलने लग जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बैठने को दिल करता है, सनसेट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा। अब जो है वो सन बिल्कुल उस साइड पे जाके डॉन सेट होता है। ओके गाइस, ये जो रेसिपी है झटपट आलू की ढाबा स्टाइल की वो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। सबसे पहले आपने, मैंने आधा किलो आलू लिया, आप अपने हिसाब से ले लें, उसको अच्छी तरह ना ऑयल में फ्राई कर लें। अगर इस पॉइंट पर अगर वो चिपक रहे हैं ना साथ, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब वो फ्राई हो जाए तो आपने सिंपली इसमें कलौंजी, मेथरे, अजवाइन, दादरी मिर्च और ऐड कर देना, ठीक है। नमक भी आप इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, पर मैंने बाद में डाला था, ठीक है। खशखाश भी मैंने ऐड की थी पर वो ऑप्शनल है। और बाकी जो है मुझसे इतना चम्मच चल नहीं रहा था इसलिए मैंने हेल्प ली थी हैदर से। सो या इसको अच्छी तरह जो है ना आप पहले फ्राई कर लें, क्योंकि इसमें कलौंजी होगी, अजवाइन होगा, ताकि वो जो है वो अच्छी तरह कड़क जाए। फिर उसके बाद आपने बाकी सारे इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालनी है। हसबे ज़ायका आप लोगों ने डालनी है आधी, अगर आधा किलो आलू है तो आधा आधा चम्मच भी बहुत है। अगर आप लोगों को थोड़ा तेज़ पसंद है तो पूरा कर लें, जिस तरह से भी आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। इसमें पिसा हुआ धनिया आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डालना जस्ट, और ना पिसा हुआ गर्म मसाला डालना है, जस्ट नमक, लाल मिर्च और हल्दी डलेगी, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई कर लें सारा सब मिक्स करके, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमने सिर्फ बस टमाटर ऐड करने, और बीच में से मैंने अचार भी डाला था, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है आप लोगों ने कितना डालना है। वैसे इसमें जो है ना मैंने डाला था दो टमाटर डाले थे मीडियम साइज़ के, ठीक है। और ये रूखा सा मतलब के बनता है सालन, इसको आप आराम से जो है ना वो उसके साथ खा, तवा स्टाइल जिस तरह से होता है ना इसका, उस तरह से टेस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं, वो टमाटर जो है वो अपना भी पानी छोड़ता है, तो यहाँ इस पॉइंट पर आपको पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने बीच में अचार भी ऐड कर लिया। इसके बाद बस गाइस आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढकना है और इसे तैयार भी हो जाना है, बिकॉज उसका जो टमाटर का और उसका अचार का पानी होता है ना वो अच्छा से आलू को पहले ही गला देता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए दम दिया था और ये तैयार भी हो गया। और आप यकीन माने अगर आप इसको नाश्ते में भी सिर्फ बनाना चाहते हैं ना, तो यूजली लोग सिर्फ नाश्ते में भी खाने के लिए बना लेते हैं, पराठों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप लोग कोई क्विक रेसिपी बनाना चाह रहे हैं जो कि मज़ा, यकीन माने टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है खाने में, ठीक है, रायते के साथ आप लोग खाएँ, अगर आप लोग वैसे ही खाना चाहते हैं बेशक वैसे ही खा लें।
सैयद क्या खाने आई हो? हंग्री? क्या खाना है? क्या खाना आए थे? उनको देखो कहाँ चढ़ गए। आयत क्या खाना है? अजलान क्या हुआ है? क्या हुआ है? पैसे चाहिए? ओके गाइज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम किधर आए हैं या ये हैदर क्या खा रहे हैं। या आप लोग पहले तो कमेंट सेक्शन में बताएं ना मेरे बताने से पहले कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अब तो काफ़ी लोगों को खैर पता लग गया होगा यार। गाइज, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और ये मैंने फ्राइज़ और समोसे मंगवाए थे क्योंकि ना कुछ ना मंचिंग करने को दिल का आ रहा था, और साथ में शवारमा। सो या ओके गाइज, अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा ये जो है ना गोला है, और कैसे ना मैंने ना इस तरह से पहली बार खाया है कि चमची और कटोरी में कोई दे, ज़्यादातर स्टिक में या शॉपर में देते होते थे। और इधर जो है वो साथ में हम लोग जालिम कॉम्बिनेशन किया हुआ है। उम्मीद बस यही है कि गला ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन हाँ ये हमारे घर के पास पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर बैठने का। बहुत ज़्यादा दिल का आ रहा था, बच्चों के साथ होता है यार, थोड़ा सा निकले या इस तरह से उनको थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट मिले। ओके गाइस, तो ये मैंने रात को जो है ना वो अपनी नाइट केयर रूटीन स्टार्ट कर दी थी, और क्रीम लगाने से पहले मैंने अच्छी तरह लोशन लेके ना अपनी जो है वो क्लिनजिंग की थी लोशन के साथ। मैंने कहा आज मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ कि किस तरह से किस मोमेंट्स के साथ जो है वो आपने अपनी क्लिनजिंग करनी है, ठीक है, सर्कुलर मोशंस में करनी है, अपने हैंड्स पे भी अच्छी तरह करें, ठीक है, नोज़ का एरिया जो टी जोन का एरिया है, अपने लिप्स पे अच्छी तरह आपने हर जगह से क्लिनजिंग करनी है, ठीक है, और इस तरह से आप अपने हैंड के मूवमेंट्स रखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपका एक तो फेस भी जो है वो स्लिम थोड़ा सा होता है, ठीक है, और हमेशा गर्दन जो है वो नीचे की तरफ करें, फेस जो है वो अपना ऊपर की तरफ करें। प्रॉपर मूवमेंट्स जो है ना वो मैंने सारे रिकॉर्ड किए थे ताकि जिनको नहीं पता वो देख सकें कि किस तरह से जो है ना वो अपने हैंड्स चलाना है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपकी स्किन पर ग्लो आती है, जो आपके अंदर जो है वो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट वगैरह के, वो सारे लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सो या आप अपने मसल्स को, आर्टरीज़ को जो है वो आप मसाज करें एक तरह से। यहाँ मैं ठंडे फुल चिल पानी से जो है ना वो मुँह धो के आई थी। वैसे आप पानी वैसे ही ड्राई होने दें, उसके बाद वो क्रीम वगैरह अप्लाई कर लें, पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैंने टिश्यू से अच्छी तरह जो है वो पानी ड्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं खाली क्लिनजिंग से कितनी क्लीन हो जाती है फेस अगर आपने इसको सही से किया। पसंद आया होगा, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इस ताकि मैं इसी तरह ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ, बिकॉज यू नो मदर्स का काम ही है, रोज़ खाना बनाना तो होता ही है, तो जब भी मैंने कुछ डिफरेंट बनाना होता है, कोई अच्छी रेसिपी होती है, तो मेरा दिल करता है मैं आप लोगों को भी दूँ, ठीक है, कोई टिप्स होती हैं ताकि सबको पता लगे, सबका फ़ायदा हो, ठीक है। सो या चलें जी, बाय बाय।